हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजेंडरी कलेक्टर। आज मैं आपके लिए एक न्यू एक्शन फिगर लेकर आ गया हूँ जो कि कॉमिक बेस्ड है। रॉक पाइथन का एक्शन फिगर मार्वल लेजेंड सीरीज। यहाँ पे एक साइड में आपको मैं आपको इसकी पैकिंग के पास दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मार्वल लिखा मिल जाता है और रॉक पाइथन। यहाँ पे हैसब्रो का लोगो है। फिर साइड में आपको रॉक पाइथन की इमेज मिल जाती है। यहाँ पे लेजेंड सीरीज लिखा हुआ है और यहाँ पे बिल्ड फिगर हल्क। फिर साइड में आपको एक और रॉक पाइथन की इमेज मिल जाती है और बैक में वही इमेज फुल में हमें दी जाती है। यहाँ पे ये रीडअप है रॉक पाइथन के एक्शन फिगर के बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ रीडअप। देखो, आप पॉज करके पढ़ सकते हो जिसे मैं नहीं पढ़ूंगा। और फिर यहाँ पे इस वेव से कुछ फिगर्स की इमेज मिली है आपको। फिर चलो दोस्तों, अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके साथ तो कवरिंग भी मिली है। इसके साथ हल्क का लेफ्ट आर्म आ जाता है। इसके साथ को इस वाले एक्शन फिगर के साथ कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी नहीं आती है। बहुत ही टाइटली पैक्ड है। आप ऐसे करके अपने रॉक पाइथन का एक्शन फिगर निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, ये है अपना रॉक पाइथन का एक्शन फिगर आउट ऑफ द पैकेजिंग। इसके साथ मैंने आपको बताया हल्का लेफ्ट आर्म आता है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। और फिर अपने रॉक पाइथन का एक्शन फिगर आता है। इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी नहीं आती है। देखो, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। आपको दिखाता हूँ इसका क्लोज लुक। यहाँ पे एक आपको सिंबल मिल जाता है रॉक पाइथन के सूट का। और मैं आपको इसका हेड स्कल्प्ट दिखाता हूँ। आपको क्लोजली दिखाता हूँ जूम करके। इस रॉक पाइथन के एक्शन फिगर का हेड स्कल्प्ट बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड है। हेड स्कल्प भी ज्यादा पेंट नहीं है क्योंकि ये रॉक पाइथन का जो सूट है ये डार्क ब्लू एंड ब्लू लाइट ब्लू कलर का था। आप देख सकते हैं इसका ये हेड स्कल बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है। आपको नीचे पैरों के नीचे आपको वो मिल जाते हैं पेग होल्स। इसके साथ आपको एक्स्ट्रा हैंड्स नहीं मिलते, सिर्फ आपको ओपन हैंड्स मिलते हैं। ये देखिए, ये आपका फिगर रॉक पाइथन का। चलो दोस्तों, अब हम इसकी आर्टिकुलेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इसका हेड है वो इतना ऊपर तक देख सकता है और बहुत ज़्यादा नीचे तक देख सकता है। फिर 360 रोटेट होता है, ये टिल्ट भी हो जाता है हेड। और यहाँ पे भी आपको मूवमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद इसके जो हाथ है वो पूरे ऊपर तक चल जाते हैं, इतने ऊपर तक। फिर ये बाइसेप्स स्वीवल, डबल जॉइंटेड एल्बोज है इसके साथ। फिर इसके बाद इसके हैंड में आपको रोटेशन मिलती है और हिंज अप एंड डाउन। और उसके बाद
ये ऐप क्रंच है, वो कितना आगे तक जाता है और इतना ही पीछे तक। यहाँ पे वेस्ट कट है, यहाँ पे वेस्ट कट भी है, फिर ये किक, इतना किक कर सकते हैं इतना आगे तक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आर्टिकुलेशन। पीछे बिल्कुल बिल्कुल जरा सा जाता है और आगे इतना जा सकता है इसका पैर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक थाई कट, फिर उसके बाद डबल जॉइंटेड नीस। आपको दिखाता हूँ एक मिनट, डबल जॉइंटेड नीस मिल जाते हैं आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे भी आपको मूवमेंट मिल जाती है, रोटेशन, आप रोटेट कर सकते हो इसे। फिर पैरों में भी हिंज है जो कि इतना ऊपर तक जाता है और इतना नीचे तक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्शन फिगर है। ये देखो, ये है इसका पूरा लुक। ये इसका पूरा लुक, इसे रॉक पाइथन के एक्शन फिगर का पूरा लुक ये है। इसके साथ जो मैंने आपको पहले बताया कि हल्का हैंड आता है, ये ओपन हैंड है। और दोस्तों, जैसे मैंने पिछली बार कैप्टन अमेरिका रिव्यू किया था 2 वीक्स पहले, तो उसमें पर मैं सोच रहा था कि मैं थेनोस बिल्ड अ फिगर थेनोस पूरा कंप्लीट करूँगा, पर तभी मेरे को अमेज़ॉन से मैसेज आया कि ये बिल्ड अ फिगर हल्क वेव वापस स्टॉक में आ चुकी है। फिर मैंने ये इस वाले वेव से एक्शन फिगर लेने स्टार्ट कर दिए, तो इसलिए अब मैं हल्क जोड़ूंगा बजाय के थेनोस के। और ये जो एक्शन फिगर है, इसे मैंने 1,700 रुपीज़ के लिए परचेज किया है। और मैंने एक और एक्शन फिगर ऑर्डर किया है जो कि है यूनियन जैक का, जिसके साथ हल्क का दूसरा आर्म आ जाता है। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन जैक है। चलिए दोस्तों, अब हम इसके साथ कुछ हाइट कंपैरिजंस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं अपने कैप्टन अमेरिका के एक्शन फिगर के साथ। रॉक पाइथन बहुत लंबा है कैप्टन अमेरिका से, कैप्टन अमेरिका की हाइट थोड़ी छोटी है। आप देख सकते हैं कैप्टन अमेरिका थोड़ा छोटा आता है रॉक पाइथन से। फिर अब हम कंपेयर करते हैं रॉक पाइथन के एक्शन फिगर को आयरन मैन मार्क 85 के साथ। देखिए दोस्तों, ये रहा अपना आयरन मैन मार्क 85। रॉक पाइथन कह लो, सॉरी दोस्तों, मेरा आयरन मैन गिर गया। रॉक पाइथन और आयरन मैन की हाइट मैक्सिमम सेम ही है, ज़्यादा हाइट डिफरेंस नहीं है। कैप्टन अमेरिका है थोड़ा सा छोटा रॉक पाइथन से। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको एक चीज़ और बतानी थी अपने अपने इस रॉक पाइथन के एक्शन फिगर के बारे में, कि इसका ये अपने पैर इतने बार को लेकर जा सकते हैं, इतना इतना ही मिलता है आपको। यही अगर हम बात करते हैं अपने आयरन मैन के, आयरन मैन में आपको बहुत ज़्यादा पैर बाहर तक जाते हैं, इन्हें रॉक पाइथन में नहीं आपको मूवमेंट मिलता है। और अब दोस्तों, हम इसे कंपेयर करते हैं अपने बेसिक फिगर थेनोस के साथ। दोस्तों, ये हम कंपेयर कर रहे हैं अपने बेसिक फिगर थेनोस के साथ। बेसिक फिगर थेनोस बहुत छोटा आता है रॉक पाइथन से, क्योंकि एक बेसिक फिगर है। तो बहुत हाइट छोटी है थेनोस की इस वाले एक्शन फिगर के साथ, रॉक पाइथन के एक्शन फिगर के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये एक्शन फिगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मेरी और कोई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो पास में ही बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, कि जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियो है तो आपको पता चल जाए।
और मैंने जो एक यूनियन जैक ऑर्डर किया है उसका भी रिव्यू मैं जल्दी करूँगा रिव्यू से। तब तक के लिए बाय बाय।